So we will take in triangle ABD and triangle ACD. ABD or ACD. In dono triangles mein, what we will have? ABD mein AD equal to AD common hai. ये वन ऑफ द परपेंडिकुलर साइड हो गई आपकी. ए बी इक्वल टू ए सी गिवन है. और थर्ड हम ये लेके चलेंगे, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी ईच 90 डिग्री. क्योंकि ए डी एल्टीट्यूड गिवन है तो ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी. सो बाय आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी रूल triangle ABD is congruent to triangle ACD. अब दोनों triangles क्योंकि congruent हैं, तो BD is equal to CD and angle BAD is equal to CAD. by CPCT. अब क्योंकि एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी है, तो इट मीन्स ए डी बाइसेक्स एंगल ए. यहां पे पहले लिख लो, दिस इंप्लाइज ए डी बाइसेक्स एंगल ए डी बाइसेक्स बी सी. और फिर यहां पे लिख लो एंगल बी ए डी is equal to angle CAD. This implies AD bisects angle A. Hence, two. So this was your question number two. ये दो ट्राइंगल्स हमने लेनी है. ये एंगल्स हमें 90 डिग्री गिवन है. ए बी इक्वल टू ए सी गिवन है. ए डी और ए डी कॉमन गिवन है. आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी से ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट एंड वी गॉट आर रिजल्ट. अदरवाइज आप यहाँ पे ए ए एस भी लगा सकते हो. एंगल डी एंगल ए डी बी इक्वल टू ए डी सी ईच 90 डिग्री. ए बी इक्वल टू ए सी और इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, तो एंगल बी इक्वल टू एंगल सी. दो एंगल्स और एक साइड, या ए बी इक्वल टू ए सी या ए डी ए डी कॉमन. तो ए ए एस क्राइटेरिया से भी आप ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हो. एनी ऑफ द टू कॉन्ग्रुएंसी रूल्स यू कैन यूज. नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर थ्री. क्वेश्चन नंबर थ्री में वी आर गिवन टू साइड ए बी एंड बी सी ऑफ एंड मीडियन ए एम ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू द साइड पी क्यू एंड क्यू आर and median PN of triangle PQR. You have to show that triangle ABM is congruent to triangle PQN and ABC is congruent to PQR. अब दो triangles और उनके medians जो हैं वो हमें given है, और उसमें हमें given है दो दो sides और median जो हैं वो equal हैं. तो given आप लिख लेंगे triangle ABC figure is given to you. ABC and PQR are the two triangles given and median जो है AM और PN given है. तो हमें ये given है two sides and median are equal to the sides and median. AB पी क्यू के इक्वल है, देन बी सी जो है वो क्यू आर के इक्वल है, ए एम जो है वो पी एन के इक्वल है. जो वन वन वाले हैं जहाँ पे मैंने वन मार्क लगाया है वो साइड्स आपस में इक्वल हैं, जहाँ पे मैंने टू मार्क्स लगाए हैं वो साइड्स आपस में इक्वल हैं, जहाँ पे मैंने थ्री मार्क्स लगाए हैं ये वाली और ये वाली साइड इक्वल है. ए बी इक्वल टू पी क्यू. बी सी टू मार्क्स लगा दिए, पी क्यू आर पे भी टू मार्क्स हैं, तो बी सी क्यू आर के इक्वल है. ए एम थ्री मार्क्स, that is equal to PN with three marks.
वी आर टू शो दैट ए बी एम इज कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू एन. अब हमें इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है. सो व्हाट वी विल डू, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट डाउन गिवन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर. ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, बी सी इक्वल टू क्यू आर, एंड थर्ड ले लो ए एम इज इक्वल टू पी एन. टू प्रूव ट्राइंगल ए बी एम कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू एन, and second ABC congruent to PQR. देखो ए बी एम जो हमें ट्राइंगल लेके चलनी है दैट इज, और दूसरी तरफ मुझे ट्राइंगल लेके चलनी है ये वाला. ये दोनों ट्राइंगल्स मुझे congruent शो करनी है. अब इसमें अगर मैं देखूं तो ए बी जो है वो पी क्यू के इक्वल है, बी सी क्यू आर के इक्वल मुझे गिवन है, बट बी सी और क्यू आर यहाँ पे पूरी यूज नहीं हो रही. दैट इज हाफ ऑफ बी सी बी एम, हाफ ऑफ क्यू आर क्यू एन. तो पहले हम ये चीज शो कर देते हैं यहाँ पे, या बीच में भी आप ले सकते हो. मैं ले लेती हूँ इन ट्राइंगल ए बी एम जो मुझे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है एंड ट्राइंगल पी क्यू एन. इसमें ए बी जो है वो पी क्यू के इक्वल आपको गिवन है. Then AM जो है वो PN के इक्वल आपको गिवन है. Then we are given BC equal to QR. But मुझे पूरी BC यूज नहीं करनी है. I have to use half of BC. तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, BM equal to QN मैंने लिख दिया. यहाँ पे मैं लिख दूंगी क्योंकि BC QR के इक्वल है तो half of BC जो है half of QR के इक्वल होगा. यूजिंग द एग्जाम कि हाफ से अगर मैं इसको जो है या टू से अगर मैं इक्वल थिंग्स को डिवाइड करती हूँ तो आई विल गेट द रिमाइंडर्स एज इक्वल. हाफ ऑफ बी सी इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू आर. हाफ ऑफ बी सी आपका बी एम है और हाफ ऑफ आर आपका क्यू एन है. तो बोथ ऑफ दीज आर इक्वल. सो बाई एस 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 कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. Triangle ABM is congruent to triangle PQN. ये दोनों triangles आपके equal हो गए. अब हमें second में prove करना है ABC जो है that is equal to PQR. अब यहां से क्योंकि ये दोनों triangles आपके congruent हैं, तो ये वाला angle और ये वाला angle CPCT से equal हो जाएंगे. तो दिस इंप्लाइज या बाय सीपीसीटी एंगल ए बी एम इज इक्वल टू एंगल पी क्यू एन, एंड दिस फर्दर इंप्लाइज एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर क्योंकि एम लाइज ऑन बी सी एंड एन लाइज ऑन क्यू आर. देखो अगर मुझे मान लो ये एंगल गिवन है कि इक्वल है इस वाले एंगल के, तो यहाँ मान लो मेरे पास कोई पॉइंट था M, इसको अगर मैं एक्सटेंड कर दूंगी तो मेरी ये रे सेम रहेगी. एंगल में कोई चेंज नहीं हुआ आपका. सेम वे में इसको अगर मैं जितना मर्जी एक्सटेंड कर दूं एंगल की वैल्यू में कोई चेंज नहीं हुआ. तो जब मुझे गिवन है कि ए बी एम इक्वल टू पी क्यू एन है, अगर मैं M से इसको C पे एक्सटेंड कर रही हूँ, ये आपकी स्ट्रेट लाइन बन रही है, तो एंगल की वैल्यू में कोई चेंज नहीं हुआ. सेम वे में PQN को अगर मैंने एक्सटेंड कर दिया अप टू N, तो PQN और PQR सेम एंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो जब मैंने यहाँ लिखा कि ABM इक्वल टू PQN है, तो इट मींस कि ABC जो है दैट इज इक्वल टू PQR. तो क्योंकि आपका M पॉइंट जो है वो BC पे लाई कर रहा है और जो N पॉइंट है आपका वो QR पे लाई कर रहा है. अब जो ट्राइंगल्स आ गई हमारी, कौन कौन सी प्रूव करनी है हमने, ABC एंड PQR. सो इन ट्राइंगल ABC एंड PQR
ए बी इक्वल टू पी क्यू गिवन है, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू ये हमने शो कर दिया, बी सी इक्वल टू क्यू आर गिवन है, सो बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी बोथ द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड यू विल गेट योर आंसर. सो इन ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर, ए बी इक्वल टू पी क्यू दिस इज गिवन. सेकेंड एंगल ए बी सी is equal to angle PQR using one third BC equal to QR this is again given so by SAS congruency both the triangles are congruent. Triangle ABC is congruent to triangle PQR, hence proved. So this was your question. हमने सबसे पहले जो छोटे वाले triangles बन रहे हैं हमारे ए बी एम एंड पी क्यू एन इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया यूजिंग द क्राइटेरिया एस एस एस. उसके बाद एस 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 क्राइटेरिया से ये दोनों छोटे वाले ट्राइंगल्स अगर आपके इक्वल हो गए तो ये वाले जो एंगल्स हैं ये भी इक्वल होंगे बाय सी पी सी टी. देन ट्राइंगल ए बी सी और पी क्यू आर को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए ये साइड हमें इक्वल गिवन है बी सी क्यू आर के और ए बी पी क्यू के, और उनका इंक्लूडेड एंगल जो है वो हमने CPCT से इक्वल प्रूव कर दिए. तो बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी यहाँ पे भी वही रूल लग रहा है आपका, तो SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल से बोथ द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड दिस वाज द रिजल्ट दैट वी वर टू प्रूव. नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4. इफ एनी डाउट इज देयर इन क्वेश्चन 3 यू कैन आस्क, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क द डाउट. अदरवाइज मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4. This is again a very simple question. In this we are asked BE and CF are two equal altitudes of a triangle ABC. Any doubt bache? Harnoor, your voice is not audible. If any doubt is there you can ask, you can unmute yourself again if any doubt is there. If you have unmuted by mistake then it's fine, no problem. If any doubt is there, so you can ask. In question number 4, we are having BE and CF are two equal altitudes of a triangle ABC. Ek triangle hame given hai ABC aur uske equal altitudes given hai hame AE and CF. So ek hi triangle mein aapki figure banegi, ye dhyan. So this is the triangle ABC. और इसके एल्टीट्यूड्स गिवन है बी ई एंड सी एफ, तो बी ई से ये परपेंडिकुलर और सी एफ से ये परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड है, तो इट मींस दीज आर परपेंडिकुलर्स. यूजिंग आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी रूल प्रूव दैट द ट्राइंगल एबीसी इज आइसोसेलेस. हमें आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी से प्रूव करना है कि ट्राइंगल एबीसी जो है दैट इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल. आइसोसेलेस ट्राइंगल मीन्स वी आर टू प्रूव दैट AB जो है that is equal to AC. AB equal to AC प्रूव करने के लिए अगर हम ये प्रूव कर दें कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल हैं, तो हमारा जो रिजल्ट है वो प्रूव हो जाएगा. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ट्राइंगल EFC एंड CEB, नहीं आप लेके चलोगे ट्राइंगल EBC एंड दूसरी ये लेके चलोगे CEB. इन दोनों ट्राइंगल्स को हम क्या करेंगे कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे. सो इन ट्राइंगल लेके चलेंगे हम सीईबी एंड ये वाला ट्राइंगल बनेगा आपका एक को और दूसरा ट्राइंगल बनेगा ये वाला, क्योंकि आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी लगानी है तो 90 डिग्री वाला जो है वो आपने जरूर. अब इसमें देखो हमें क्या क्या गिवन था, एक तो एल्टीट्यूड हमें इक्वल गिवन थे यानी कि बी ई इक्वल टू सी एफ आ जाएगा. सेकेंडली ये दोनों राइट एंगल्स गिवन है. थर्डली जो ये बी सी है 90 के अपोजिट हाइपो, तो दोनों का हाइपो ये बन रहा है
बीसी दोनों में कॉमन है, तो बाय आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट। तो ट्राइंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल बी इक्वल टू एंगल सी होगा। एंगल बी इक्वल टू एंगल सी मीन्स ए सी इज इक्वल टू ए बी। तो यही चीज जो है वो हमें प्रूव करना है। गिवन लिखने के एक्सक्यूज मैम। हाँ जी बेटा। मैम हम ट्राइंगल ए बी ई और ए एफ ए एफ सी ले सकते हैं? एक सेकेंड, जस्ट अ मोमेंट। आप कह रहे हो कि हम ये वाली ट्राइंगल ले और ये वाली? यस मैम, यस मैम। जस्ट अ मोमेंट, इसमें ये 90 डिग्री आ जाएगा, इसमें ये 90 डिग्री आ जाएगा। 90 के अपोजिट ए बी, 90 के अपोजिट आपका ए सी। यस बच्चे यू कैन टेक। इसमें थर्ड साइड देखो कौन सी कॉमन बन रही है आपकी, एक बार साइड चेक करनी पड़ेंगी आपकी कौन कौन सी है। लेट अस चेक, ये वाला लेके चलोगे और ये वाला लेके अगर चलोगे तो आपके एल्टीट्यूड्स एक तो इक्वल गिवन है आपको। हाँ इसमें आप एंगल ए कॉमन ले लोगे, एक एंगल आ गया आपका 90 डिग्री, ये आपको गिवन है ए ए एस। बट वहां पे आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी यूज हुई आपकी, साइड नहीं ना दोनों में कोई भी कॉमन आ रही बच्चे, अदरवाइज ए ए एस से आप इनको कॉन्ग्रुएंट शो कर सकते हो। बट उसने हमें कॉन्ग्रुएंसी यूज करने को कहा आर एच एस। तो अगर मैं ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल ले रही हूँ, एक तो एंगल्स 90 डिग्री हो गए, बी सी और सी बी ई और सी एफ आपके इक्वल हो जाएंगे। थर्ड क्या लेके चलोगे आप, क्योंकि इसमें आपकी साइड कोई भी कॉमन नहीं बन रही, ठीक है? तो आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी नहीं लगेगी। नो डाउट कि आप इसको ए ए एस कॉन्ग्रुएंसी यूज करके ए बी इक्वल टू ए सी प्रूफ कर सकते हो। बट क्वेश्चन में उसने हमें स्पेसिफिकली कहा है कि यूजिंग आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी, तो यू हैव टू टेक दीज ट्राइंगल। तो मैंने फर्स्ट फिगर में शो किया, ठीक है? यस मैम। सो राइट डाउन द गिवन। इट्स वेरी गुड ऑन योर पार्ट कि आप लोग थोड़ा हटके भी सोच रहे हो कि हम ऐसे भी इसको प्रूव कर सकते हैं। तो डेफिनेटली जब आप ऐसे सोचेंगे तो आपका होल्ड हो जाएगा इस कंसेप्ट पे। सो गिवन है हमें ट्राइंगल एबीसी, सेकंड बीई परपेंडिकुलर एसी, एल्टीट्यूड गिवन है वो हमें, एंड सीएफ परपेंडिकुलर एबी। सो टू प्रूफ एबी इक्वल टू एसी Using RHS congruence. ये अगर आप लिख लोगे ना तो आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगी, तो आपको ये चीज याद रहेगी कि हमने कैसे लेना। अब प्रूफ लेंगे हम इन ट्राइंगल CBE एंड ट्राइंगल CBF, CBE हो गया हमारा। अब दूसरा लेके चलना है हमने BCE। अब यहाँ पे देखो एंगल E और F दोनों 90 डिग्री के आएंगे, BC इक्वल टू BC कॉमन आएगी। थर्ड जो हम क्राइटेरिया लेके चल रहे हैं दैट इज CF जो है that is equal to BE, ये हमें given है। Angle CFB is equal to angle CEB, BEC and third BC equal to BC common। So by RHS congruency, triangle CBF is congruent to triangle BCE
अब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, तो इट मींस सी बी एफ, सी बी एफ में ये आपका एंगल पूरा बी बन रहा है, तो दिस इंप्लाइज एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी बाय सी पी सी टी, तो दिस इंप्लाइज बी के अपोजिट आपकी साइड है ए सी एंड सी के अपोजिट साइड इज ए बी, एंगल्स साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। So last me you will write down hence quote. If any doubt is there in this, you can ask. Otherwise, moving on to the last question. Question number 5. ABC is an isosceles triangle with AB equal to AC. Draw AP perpendicular to BC to show that angle B is equal to angle C. हमने यहाँ पे क्या करना है? आइसोसेलेस ट्राइंगल हमें गिवन है जिसमें ए बी इक्वल टू ए सी गिवन है, हमने परपेंडिकुलर ए पी ड्रॉ कर लेना है, यानी कि वी आर ऑल्सो गिवन दैट ए पी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, वी आर टू शो दैट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, तो हम क्या करेंगे सिंपली ए पी बी और ए पी सी को हम कॉन्ग्रुएंट शो कर देंगे एंड वी विल गेट आर आंसर बाय सी पी सी। This is a perpendicular given. Also, you are given AB equal to AC. So, 190 degree ka angle hai. 90 ke opposite hypos are equal. These sides are common. So, by RHS congruency, triangles are congruent. So, triangles congruent hain kyunki aapki, to angle B is equal to angle C. Given triangle ABC, second point aap isme likhenge. AP perpendicular BC. You are to show that angle B is equal to angle C. अब आप ले लेंगे इन ट्राइंगल APB and triangle APC. Angle APB is equal to angle APC each 90 degree. AP क्योंकि perpendicular है BC के, तो ये angle आपका 90 degree का हो गया. Then AB equal to AC हमें given है, वो यहाँ पे भी लिख लो. And third, AP equal to AP common. One right angle है, one hypo है, and one आपकी perpendicular side है, तो by RHS congruency, triangles are congruent. Triangle APB is congruent to triangle APC. APB congruent है APC के. It means angle B is equal to angle C. This implies यही चीज हमें शो करनी थी. So this was the result. So last में आप लिख देंगे hence proved. So this was your exercise. यहाँ by CPCT लिख देना. So this was your chapter number 7, exercise 7.4 जो आपकी है, that is not according to the exam point of view, उसमें से आपका question नहीं आता है paper में. So with this our chapter number 7 is over. From yesterday's test you would have seen कि आपके किस तरीके से जो important concepts हैं वो भी questions की form में, MCQs की form में convert हो सकते हैं. तो इसी तरीके से आपने prepare करना है. Many of you have scored 10 marks also out of 10, so it's good on your part कि आपके छोटे-छोटे concepts भी clear हैं. So I'm ending the meeting now as the time is over.